नमस्कार, ये नीलोफर के फूल हैं और आयुर्वेद की बहुत सारी औषधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसकी मात्रा बता देता हूँ, इसकी मात्रा जो होती है 1 से 3 ग्राम सुबह, 1 से 3 ग्राम शाम को। आप इसको पाउडर के रूप में या काढ़े के रूप में या शरबत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 3 ग्राम कितना होगा ये बता देता हूँ। आधा से 1 चम्मच सुबह, आधा से 1 चम्मच शाम को इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ज़्यादातर बीमारियों में सुबह शाम भोजन के बाद दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें इसका इस्तेमाल दिन में 3 बार भी करवाया जाता है, सुबह दोपहर शाम को। ज़्यादातर बीमारियों में भोजन के बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर कुछ एक आदि ऐसी बीमारी होती है जिसमें भोजन से पहले इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। किस बीमारी में भोजन के बाद इस्तेमाल करना है, किस बीमारी में भोजन के पहले इस्तेमाल करना है, किस बीमारी में काढ़े के रूप में, पाउडर के रूप में या हमें शरबत के रूप में इस्तेमाल करना है, मैं आपको ये बताऊंगा। इसकी जो ठंडी तासीर होती है ना, इसलिए इसको इस्तेमाल करने से गर्मियों में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। गर्मियों में इस्तेमाल करने से ये हमारी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देता है। इसको उचित मात्रा में इस्तेमाल करते रहें तो 1 से 3 महीने में ही पूर्ण रूप से बीमारी नष्ट हो जाती है, और इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना ही इसकी किसी प्रकार की आदत पड़ती है। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति, जिनका कफ प्रकृति वाला शरीर है और खान पान गलत होने के कारण, रहन सहन गलत होने के कारण उनका कफ बढ़ गया है और दोष में बदल गया है, जिससे उनको गले में हमेशा खराश बनी रहती है, छाती में बलगम बनी रहती है, शरीर में कमजोरी बनी रहती है और शरीर के जोड़ों में ऐसा ढीलापन सा, बेजान सा शरीर लगता है, उनके लिए इसका इस्तेमाल शरबत के रूप में इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसे में ऐसे व्यक्ति क्या करें, नीलोफर को लेके पीस के पाउडर बना लें। आधा से 1 चम्मच पाउडर 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उसे उबालें। उबल उबल के पानी जब आधा कप रह जाए, उसे नीचे उतार के छान के उसमें स्वाद अनुसार शहद मिला के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें, और कोशिश करें इसके इस्तेमाल करने के बाद थोड़ी देर तक तो कुछ खाए पिए ना। ऐसा करने से जो आपका बढ़ा हुआ कफ दोष में बदल गया है, वो वापस कफ प्रकृति में बदल जाएगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे। पित्त जिन लोगों का बढ़ गया है, पित्त बढ़ने से पेट में गर्मी बढ़ जाती है, शरीर में त्वचा पे खारिश खुजली होने लग जाती है, या मान लीजिए तेजाब बनने लग जाते हैं जिसे हम अम्ल पित्त या हाइपर एसिडिटी या सिंपल एसिडिटी के नाम से भी जानते हैं। हाइपर एसिडिटी तो इस जगह जाके दिल पे हमेशा घबराहट, बेचैनी बना देती है, धड़कन को बढ़ा देती है। सिंपल एसिडिटी यहीं पे जलन, अरे मुझे जलन हो रही है, डकार से आ रहे हैं, तो उसे सिंपल एसिडिटी अम्ल पित्त भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आपका पित्त बढ़ गया है, आप पित्त प्रकृति के मालिक हैं और आप गलत खान पान, रहन सहन के कारण आपका पित्त बढ़ गया है, दोष में बदल गया है, और आप परेशान रहते हैं, कईयों को तो हाथ पैर से भड़क हमेशा बनी रहती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो ये सब पित्त बढ़ने के कारण ही होता है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल कैसे करें बता देता हूँ मैं आपको। नीलोफर के फूल ला के पीस के पाउडर बना ले। 1 चम्मच पाउडर को 1 गिलास पानी में डाल के रात को ढक दे। सवेरे उठे उस पानी को छान के उसमें देसी खांड या धागे वाली मिश्री, जिसे हम कहते हैं काल्पिक मिश्री, उस मिश्री का पाउडर मिला के सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। रोजाना 1 दिन में 1 बार इसका इस्तेमाल करने से पित्त दोष शांत होता है और प्राकृतिक में बदल जाता है। अम्ल पित्त की शिकायत भी दूर हो जाती है। जिन लोगों को बार बार प्यास लगती है, बार बार प्यास लगने का मतलब ऐसे बेचैनी सी हो जाती है, मुंह बार बार सूखता है, तो ये सब जो है वो दाह रोग में आ जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी हम क्या करेंगे कि हम नीलोफर के फूल को ला के पीस के पाउडर बना लेंगे। 1 चम्मच पाउडर लेके 1 गिलास पानी में डाल के रात को ढक्कन ढक के छोड़ देंगे। सवेरे उठेंगे उस पानी को छान के उसमें देसी खांड या धागे वाली मिश्री, जो आपको ठीक लगे, उसको ला के आप स्वाद अनुसार
अपना मिलाएं और सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दें। जिनको शुगर है वो भैया वैसे ही इस्तेमाल करें, वो मीठा मत मिलाएं। आपको थोड़ा स्वाद इसका पता नहीं चलेगा क्योंकि बिना स्वाद का महसूस होता है इसका पानी। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो दाह की समस्या है, मुंह सूखने की समस्या है, परेशानी ज़्यादा रहती है, बार बार घबराहट सी होती है, अभी मुझे पानी ला दे मुझे कुछ हो रहा है, तो ये सब समस्या आपकी दूर हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। रक्त की समस्या, रक्त विकार जिनको तंग कर रहा है, जिनके खून में खराबी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो गई है, जिससे रक्त से संबंधित जो रोग होते हैं वो आपको तंग कर रहे हैं, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। मंजिष्ट 50 ग्राम लेंगे, 50 ग्राम गोखरू लेंगे, 50 ग्राम नीलोफर के फूल लेंगे, तीनों को पीस के पाउडर बना लें। एक चम्मच पाउडर लेके एक गिलास पानी में डाल के ढक्कन ढक के छोड़ दें। सवेरे उठें, उस पानी को छान के पी जाएं। ऐसा सवेरे खाली पेट करें। और अगर आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता तो देसी खांड स्वाद अनुसार मिला के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी हम एक गिलास पानी ज़रूरी पीना चाहिए, मतलब कहने का मतलब पूछते हैं जब उनको बताते हैं, तो कोई बात नहीं, आप एक कप से भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक गिलास पियेंगे तो और अच्छी बात है। सुबह खाली पेट पानी तो कहते हैं ना कि जितना अपने शरीर के मुताबिक पिया जाए उतना अच्छा है, लेकिन अगर आपका मन करता है कि एक गिलास पानी मुझसे पिया नहीं जाता, तो एक कप में भी काम चला के अपनी बीमारी को पूर्ण रूप से नष्ट कर सकते हैं। फोड़े फुंसी जिन लोगों को बार बार निकलते हैं, या मान लीजिए विस्फोटक फफोले निकल जाते हैं, उनमें मवाद इकट्ठा हो जाता है और वो बहुत परेशान होते हैं, तरह तरह के इलाज करके परेशान हो जाते हैं, तो ऐसे में खदीर की छाल 20 ग्राम, नीम के पत्ते सूखे हुए 20 ग्राम और 20 ग्राम आप नीलोफर के फूल लेके पीस के पाउडर बना लें और रोज़ाना एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले गुनगुने पानी से लेना शुरू कर दें, तो आपको फोड़े फुंसी, विस्फोटक वगैरह, दाग वगैरह पूरी तरह से, फफोले, विस्फोटक, ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। हृदय जिन लोगों का कमज़ोर है, घबराहट हो जाती है, दिल में छाती में दर्द हो जाता है या बेचैनी हो जाती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा आपके लिए नीलोफर अमृत का काम करेगा। कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है या जिनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, मतलब वो हृदय रोग से संबंधित सभी रोगियों के लिए जो बताने जा रहा हूँ इलाज बहुत फ़ायदेमंद होगा। गाजवान आती है वो 50 ग्राम लेना है आपने, अर्जुन की छाल 50 ग्राम लेनी है आपने, और अंत में ठीक समझे नीलोफर भी 50 ग्राम लेना है। तीनों को लेके पीस के पाउडर बनाना है और एक चम्मच पाउडर एक कप पानी में डाल के अच्छे से उबालना है। उबल उबल के पानी जब आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के छान के स्वाद अनुसार देसी खांड या धागे वाली मिश्री का पाउडर, दोनों में से कोई एक पाउडर मिला के सुबह भी और इसी विधि से शाम को भी इस्तेमाल करने से हृदय को बल मिलता है और कैसी भी स्थिति हो कभी घबराहट बेचैनी नहीं होती है, परेशानी नहीं होती। कई लोगों को पूछता हूँ तो वो बताते हैं कि जी हम जैसे भीड़ में या किसी के सामने बैठते हैं तो हमें एकदम घबराहट होने लग जाती है, परेशानी हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कभी भी ये बंदा चला जाए, उठ के चला जाए, नहीं तो हम कहीं चले जाएँ घूमने के लिए। कई बार कहते हैं कि जी हम गाड़ी चलाते हैं तो एकदम भीड़ में हम परेशान हो जाते हैं, इरीटेट हो जाते हैं, हम सोचते हैं गाड़ी छोड़ के भाग जाए, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। मस्तिष्क जिन लोगों का कमज़ोर है, बार बार डिप्रेशन से परेशान रहते हैं, ज़रा सा बैठते हैं तो कुछ कुछ उल्टे ख्याल आने लग जाते हैं, सामने बैठे व्यक्ति के बारे में हम उल्टा सोचने लग जाते हैं, वैसे खाली बैठे तो हम उल्टा सोचने लग जाते हैं, हमेशा नकारात्मक विचार हमारे, जिसे नेगेटिव थॉट के नाम से जानते हैं, वो बने रहते हैं हमारे दिमाग में, जिसके कारण हमें क्या होता है कि हम उल्टी सीधी हरकतें कर देते हैं, नींद नहीं आती है, परेशान रहते हैं। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं ये बता देता हूँ आपको। नीलोफर 50 ग्राम लेना है, ब्रह्मी घास 50 ग्राम लेनी है, अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम लेनी है।
पीस के पाउडर बनाना है, एक चम्मच पाउडर सुबह, एक चम्मच पाउडर शाम को, गाय के दूध के साथ खाना खाने के एक घंटे बाद इस्तेमाल करने से मस्तिष्क को ताकत मिलती है, इसकी खुश्की खत्म हो जाती है और मस्तिष्क में उत्पन्न जो हमारे विकार होते हैं वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। मूत्र से संबंधित विकार जिन लोगों को तंग करते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब करने जाना, पेशाब खुल के न आना, पेशाब में जलन होना, या बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होना महिलाओं को हो चाहे पुरुषों को, कई बार पुरुषों को प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाता है जिसकी वजह से पेशाब से संबंधित तकलीफें तंग करती हैं, या समय से पहले ही हमारे जो मूत्राशय कमज़ोर हो जाते हैं जिसे मसाने की कमजोरी के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे में नीलोफर का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। कैसे इस्तेमाल करना है ये बता देता हूँ आपको। नीलोफर के फूल 50 ग्राम लेने हैं आपने, गोखरू बड़ा 50 ग्राम लेना है आपने, सुपारी जो सुपारी खाते हैं वो नहीं, सुआ सुपारी 50 ग्राम लेनी है आपने, ये सब लेके पीस के पाउडर बना लें, सुआ सुपारी का छिलका फेंक दें, उसके अंदर एक ग्रीस निकलती है उसका इस्तेमाल करें, तो लेके इनको पीस के पाउडर बना लें और एक चम्मच पाउडर सुबह, एक चम्मच पाउडर दोपहर को, एक चम्मच पाउडर रात को, दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करें और खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करें। इससे मूत्र से संबंधित विकार आपके पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। कई बार तो क्या होता है कि किसी के अंदर मसाने में पेशाब की थैली में जख्म हो जाते हैं जिससे उनको रक्त आने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। कईयों के गुर्दे में विकार उत्पन्न हो जाता है जिसे हम किडनी डिजीज बोलते हैं, तो उसके कारण भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अब इसका इस्तेमाल करेंगे तो पूर्ण रूप से आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। रक्त पित्त की समस्या जिन लोगों को तंग करती है, कहने का मतलब आपके खून में पित्त बढ़ गया है जिसकी वजह से आपको नाक से, मुंह से, मूत्र मार्ग से, गुदा मार्ग से, या बहुत कम ऐसे रोगी देखे जाते हैं जिनके आँख से, या कई बार क्या होता है कि किसी के ऐसे कोनी लगी या घुटने पे चोट लग गया तो उनके एकदम खून आने लग जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता है, या कई महिलाओं को मासिक धर्म ज़्यादा मात्रा में आता है, या कई पुरुषों को खूनी बवासीर हो जाती है, आंतों में जगह जगह अल्सर हो जाते हैं, तो ऐसी सब बीमारियों में, कहने का मतलब इतनी सारी जो रक्त पित्त से संबंधित विकार हैं उन सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे करना है इसका इस्तेमाल, बस ये पता होना चाहिए। नीलोफर के फूल आपने लेने हैं 50 ग्राम, मकोई लेनी है 50 ग्राम, और 50 ग्राम ही आपने खून खराबा लेना है जिसे खून सोसा के नाम से भी जाना जाता है, लेके पीस के पाउडर बना ले, एक चम्मच पाउडर सुबह, एक चम्मच पाउडर शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ लेना शुरू कर दें, तो आपको रक्त पित्त की समस्या चाहे किसी भी कारण से है, किसी भी तरह से है, तो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। बस कोशिश यही करें कि जब इसका इस्तेमाल करें तो गर्म चीज़ों का सेवन कम कर दें या गर्म चीज़ बिल्कुल ना खाएं, ताकि आपको इसका पूर्ण रिजल्ट मिल सके। ज्वर, ज्वर का मतलब फीवर, फीवर जिन लोगों को बार बार लगा रहता है, या मान लो कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको फीवर अंदर होता है मगर उनको नज़र थर्मामीटर में नहीं आता है, बस शरीर अंदर ही अंदर बेजान लगता है, कमज़ोर लगता है, टूटापन सा लगा रहता है, और वो बहुत परेशान होते हैं, यार ऐसा क्या हो गया मेरे शरीर में, तरह तरह के दिमाग में आती हैं बातें। तो कहने का मतलब जब हमारे शरीर के अंगों में, धातुओं में कभी पित्त बढ़ जाता है और वो अंदर रुक जाता है, या मान लीजिए सीधी सी बात बता देता हूँ कि आपके कहीं भी संक्रमण हो रहा है अंगों में या धातुओं में, तो उसके कारण आपको फीवर होता है, तो उस फीवर को हमें कैसे ठीक करना है ये बता देता हूँ। आपने गोखरू 50 ग्राम लेना है, नेपाली चिरैता 50 ग्राम लेना है, गिलोय 50 ग्राम लेनी है, और नीलोफर भी आपने 50 ग्राम लेना है, लेके पीस के पाउडर बनाना है, एक चम्मच पाउडर लेना है और एक बर्तन में डाल के उसमें 1 कप पानी डाल दें और उसे अच्छे से उबलने दें, उबल उबल के पानी आधा कप रह जाए उसे नीचे उतार के
छान के स्वाद अनुसार देसी खांड मिला के सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले आधा घंटा पहले इस्तेमाल करेंगे तो आपका किसी भी प्रकार का अगर ज्वर हुआ होगा, बुखार जिसे कहते हैं, वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। या आपका कितना भी पुराना बुखार रुका हुआ है आपके हड्डियों में, धातुओं में, कहीं भी रुका हुआ है, तो वो भी पूर्ण रूप से ठीक होता चला जाएगा, मूत्र के रास्ते या पसीने के रास्ते शरीर से बाहर हो जाएगा, जिससे आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। दस्त बार बार जिन लोगों को तंग करते हैं, जिसे हम अतिसार या डायरिया के नाम से जानते हैं, तो ऐसे में डायरिया हो गया, या मान लीजिए परवाहिका जिसे डिसेंड्री बोलते हैं, या मान लीजिए संग्रहणी जिसे हम IBS के नाम से जानते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो इस तरह के रोगी को कहना चाहूँगा कि आपके लिए नीलोफर का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जिससे दस्त जाते हैं आप, जिससे कमज़ोरी आती है, जोड़ कड़क कड़क की आवाज़ आती है ना, तो उसमें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। 100 ग्राम सौंफ लेना है अपने, 100 ग्राम बेलगिरी लेनी है अपने, और 50 ग्राम नीलोफर लेना है आपने। इन तीनों चीज़ों को लेके पीस के पाउडर बनाना है, 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, दही की लस्सी बना के सुबह शाम लेना शुरू कर दें, और खाना खाने के 1 घंटे बाद लेना शुरू कर दें, तो इससे आपको डायरिया, डिसेंट्री, IBS जिसे हम कहते हैं, तो ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। गर्भ अवस्था में कई महिलाओं को क्या होता है, गर्भ अवस्था में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है गर्भाशय में, या किसी प्रकार की क्षति पहुंच जाती है, जिसके कारण उनको मूत्र मार्ग से, जो हम योनि मार्ग बोलते हैं, उस मार्ग से रक्त का स्राव होने लग जाता है, जिससे गर्भ स्राव होने का ज़्यादा डर लगा रहता है। तो ऐसे में इसका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। कैसे इसका इस्तेमाल करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। गोरख मुंडी आपने लेनी है 50 ग्राम, नीलोफर लेना है 50 ग्राम, पीस के पाउडर बना लें, 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को। क्या करना है आपने कि 1 कप पानी में डालना है सुबह, और उसे ढक्कन ढक के छोड़ दें, शाम को खाना खाने से पहले इसका इस्तेमाल आप छान के स्वाद अनुसार देसी खांड या धागे वाली मिश्री का पाउडर मिला लें और करें, और शाम को भिगो दें, अगले दिन सुबह करें। ऐसा दिन में 2 बार करने से आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, ना ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, और आपका गर्भ भी ठीक रहेगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बनी रहेंगी। जिन महिलाओं को गर्भ नहीं रुक पाता, महिलाओं में कमी होती है, या कईयों में पुरुषों में कमी होती है, या कई बार दोनों में कमी होती है, पुरुषों में शुक्राणु नहीं बन पाते, महिलाओं में अंडाणु नहीं बन पाते, या मान लीजिए कई परेशानियाँ हो जाती हैं बच्चेदानी में, तो ऐसे में दोनों लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या इस्तेमाल करना है ये समझा देता हूँ आपको। अश्वगंधा की जड़ 50 ग्राम, शिवलिंगी बीज 50 ग्राम, नाग के सर 50 ग्राम और नीलोफर 50 ग्राम लेके पीस के पाउडर बना लें, 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, दोनों जने 1 चम्मच उसमें, अगर आप मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा हुआ तो देसी घी गाय का मिला सकते हैं। कई लोगों को देसी घी मिला के पाउडर खाना बड़ा अजीब सा लगता है, तो कोई बात नहीं, आप गाय के दूध में भी घोल के ले सकते हैं। और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आप इसका इस्तेमाल मत करें, सिर्फ पाउडर लें और गाय का गुनगुना दूध लें, लेके करके पी जाएं। ऐसा सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी ही जो महिलाएं हैं वो गर्भ धारण कर लेगी, और समय के साथ गर्भ जो है पूरी तरह से स्वस्थ बना रहेगा, जच्चा बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, और समय पर डिलीवरी बिल्कुल सामान्य होएगी और बिल्कुल जच्चा बच्चा भी स्वस्थ बने रहेंगे। नीलोफर के मैंने आपको इतने सारे फायदे गिनवा दिए, तो इसका कुछ नुकसान है। जिनको मान लीजिए कि ठंडी तासीर के व्यक्ति हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वो ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल मत करें, उनकी काम शक्ति जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप इसका इस्तेमाल करके पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज़ की नुकसानदायक होती है। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।